एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 दैट इज फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। एक दिन में 8 आवर्स का क्या फ्रैक्शन होगा? एक दिन में 8 आवर्स का फ्रैक्शन क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग दी गई है, यहाँ पे आवर्स में है और यहाँ पे डे में है। तो क्या आप इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी यूनिट डिफरेंट है। सबसे पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं डे को आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। एक दिन में कितने आवर्स? तो 24 आवर्स, ठीक है? मीन्स 24 आवर्स में 8 आवर का फ्रैक्शन क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। अब यूनिट सेम है, अब हम लोग फ्रैक्शन बता सकते हैं। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है। कैसे? जैसे एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट को मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं कि इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो क्या हो जाएगा? 1/3। टोटल पार्ट है 3 और शेडेड है 1। उसी तरीके से 24 आवर्स में 8 आवर का क्या फ्रैक्शन होगा ये अब हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए 24 आवर्स नीचे लिखिए और 8 आवर्स को ऊपर लिखिए, क्योंकि हमें बताना है कि 24 आवर्स में 8 आवर का क्या फ्रैक्शन है। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? 8/24। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।